पूर्वार्ध अध्याय त्रीजो कहू मोट्यप महाराजनी जेह सुनता पावन थाय जीव मा उतारे जन जेह देह सुख भोग विसदाय शुद्ध उपासना होय तो मूर्ति मा रस बस रहे अनंत ने ए सुख समझावी अनादि मुक्त निस्थित ग्रहे अपरिमित कोटि महामाया जैमा जीव कोटि ते घुचाया तिथि पर महापुरुष जेह तैना ऊपर ब्रह्म कोटि एह देह पर अक्षर कोटि सार ते पर अधो ऊर्ध्व अपार चारे कोरे प्रमाणे रहित अति तेजोमय जे शोभित एवो महाराज श्रीनो प्रकाश अनंत अखंड अविनाश अक्षर धाम ते तैने कहिए अक्षर कोटि थी उत्तम लहिए अक्षर धाम प्रभु नो प्रकाश अक्षर कोटि मा करे उजास सर्व मा अन्वय पणे व्यापी सौने तेज फल रह्यो आपी व्यतिरिक अक्षर कोटि थी पर सर्वोपरि ने सौथी सुंदर सर्वाधार ए अक्षर धाम शोभे ए तेज माखन श्याम रह्या दिव्य स्वरूपे साकार स्वामी नारायण सर्वाधार ते भेळा मुक्त मंडळ रह्या मोटा गोपाळानंद जी कह्या ब्रह्मानंद स्वामी पर्वत भाई दादो खाचर आदि सुखदाई अनंत कोटि जे अनादि मुक्त रह्या हरि माई प्रेमे युक्त रस बस मूर्ति माही अति एक बीजा मास हुनी गति सदा साकार मूर्ति आकार सुख भोक्ता पण एक तार स्वामी सेवक भाव सदाय एवा अनादि मुक्त कहवाय बड़ी परम एकांतिक जेह मुक्त मंडल अनंत छे एह बैठा चारे कोरे हरि पास अधो ऊर्ध्व जुए अविनाश सौना पासे सौने सन मुख अनंत कोटि लहे एम सुख देछे दर्शन सौने दयाल आपे सुख जन प्रतिपाल देवा स्वामी सहजानंद जेह हरि कृष्ण पुरुषोत्तम तेह नारायण मुनि घन श्याम एवा अनादि अनेक नाम सर्वे नाम नामी धाम धामी अनेक अनादि मुक्त ना स्वामी देह प्रेमवती भक्ति मात
हरि प्रसाद जे धर्म तात तेमना प्रेमे पुत्र थयेल बड़ी स्वधा में सदा रहेल अनंत मुक्त सहित बिराजे तिया चरित्र करू महाराजे नेत्र नु मट कुमारियों जारे पूछू मुक्तो ए सौ मली त्यारे हे हरि शू आ चरित्र करू त्यारे श्याम बोल्या मोद भरू अमे भरत खंड माही गया मनुष्य रूपे ते प्रगट थया बड़ी कर्या चरित्र अपार अनेक जीवनों करो उद्धार आही तो एक मटकू भरू तेमा इटलू चरित्र करू बीत्या वर्ष ओगण पचास ते पर एक दिवस बेमास तेमा धर्म एकांतिक स्थाप्यो घना जीवने अभय वर आप्यो कर्या सुखिया दुख ने कापी वळी सत्संग रूडो स्थापी तो पण घणा नवा जीव देह महिमा पूरो समझ्यान तेह अनादि मुक्त जे स्थिति पामी रह्या मारे विषे कर भामी देवी अनादि मुक्त निस्थिति नव समझ्या जन ए रीति तेथि मुक्त अनादि न थया जीव नवा एम रही गया माटे कर्यो छे एवो विचार अनादि मुक्त रूपे आवार सत्संग मा प्रगट मारे थावू करी अनादि मूर्ति मा लावू मारो संबंध जे हने थाशे सेवा करशे ने फरशे वासे देह सौने अनादि करी आव शू लाखो मनवार्यू भरी वळी अनादि मुक्त जे मारा जीव असंख्य ने तार नारा देह साथे अनादि स्वरूपे मारे प्रगट थावू मुक्त रूपे एम मुक्तो प्रत्ये महाराजे करी बात सौना सुख काजे सहजानंद जी पूरण कामे करी बात अक्षर धामे सुनी राजी थया मुक्त सहु श्री हरि नी दया जाने बहु अनादि मुक्त रूपे श्री हरि थाशे प्रगट ते महर करी घणा जीवो ने सुखिया करशे अनादि मुक्त करी ने वर्षे पछी श्री हरि सहजानंद बहु जीवो ने देवा आनंद थया अनादि मुक्त स्वरूप प्रगट्या सत्संग मा अनूप हवे अनादि स्वरूप हरि जैम प्रगट थया दया करी तैनी कहूं वर्ण बीने बात सुनी सहु था शेरली यात जेह देश जेह कुल गाम कहूं संभारी सर्वे तमाम जैम प्रगट थया मुक्त राज कर्या बहु बहु मोटा काज कर्या यज्ञो मोटा जे अपार
बताव्या पूर्या चमत्कार रह्या जैम समाधि घणा तारा जीव राखी नहीं मना जैम फर्या हर्या जम्या रम्या कर्या चरित्र सहुने गम्या धर्म पाळी ने पळाव्या जैम खोट ना खाता वळाव्या तैम ए आदिक कर्या बहु काम करी अनादि मुक्या स्वधाम एम आप्या सुख मुक्त राजे थया प्रगट सौ जीव काजे कच्छ देश मा भुज नगर तिथि नैऋत्य खूणे सुंदर दूर छगाऊ जे वृषपुर गाम शोभित सारू जरूर विश्वामित्री नदी उत्तर दिशे घेलो चाले वेग मायतिशे ते समीपे उत्तर मा जानो काळू तळाव सारू प्रमाणो ते सर तटे प्रगट प्रभुनु तीर्थ शोभित सारू छे धुनु तिया प्रगट प्रभु बिराजी करी छे ज्ञान वारता झाजी संत हरि जन ने लई साथ नाह्या ते सर मा बहु नाथ माटे तीर्थ मान्यु छे अनूप सौने शांतिकार सुख रूप देह थकी पूर्व दिश जाय वृषेश्वर शिव देरा माय छे प्रसादी प्रभु ने पूजेल थयु शिव ने कल्याण सहेल देह स्थान विश्वामित्री पास आशा पूरी देवी नामे वास तेनु वन सघन छे घणु घणा वृक्ष वेली सोह्या मणु पाणी सजीवन जिया बहे जेने जोईए तेह फल लहे एमु तीर्थ गाम छे शोभित प्रभु आव्ये शोभ्यु रूढ़ी रीत ते पुर मा प्रत्यक्ष ना जन स्वामी सहजानंद पावन सत संगी महाप्रभु तणा जय मा नहीं कोई बाते मना ब्राह्मण क्षत्रि वैश्य शूद्र जेह धर्मवान धर्म पाळे तेह एवा पवित्र पूर मोझार बसे कण बिना था नामे सार तेने पुत्र गुणवान त्रण भजे नाम स्वामी नारायण धर्मनिष्ठ संत सेवा करे जेने जोता सौ नामन ठरे नाम गंगदास रूड़ा भाई तेजा भाई नी बहु मोटाई भजे स्वामी नारायण भावे परम एकांतिक मुक्त कावे संत सेवा करे भाव आनी बोले हित मा कोमल वाणी पुत्र भक्त रूड़ा नाजे एक नाम पांचा भाई दृढ़ टेक करे श्री जी नु भजन भावे जेने जोता सुख सौने आवे तेना पत्नी पण धर्मवान नाम देवु बाते गुणवान ध्यान श्री हरि नु नित्य धरे सेवा सत्संग नी बहु करे तेने जोई कहे सऊ एम
आनो भक्ति माता जेवो प्रेम पांचा भाई ने देवु बाजानो जैम धर्म ने भक्ति प्रमाणो एवी रीते भजे भगवन करे अति आनंदे भजन तेने पुत्र तनी इच्छा उर करे स्तवन प्रभु जी हजूर मारे पुत्रनी इच्छा छे नाथ दई दर्शन करो सनाथ। इति श्री सहजानंद स्वामी चरण कमल सेवक शिष्य निर्गुणानंद वर्णी रचिते अनादि मुक्त चरित्रामृते पूर्वार्धे अनादि मुक्तनो प्रादुर्भाव थवानु निमित्त थयु तथा वृषपुर वर्णन ए नामे त्रीजो अध्याय।